कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी एक गलती आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। जी हां दोस्तों, और यह बात बागेश्वर धाम की पर्चे में निकला है। और अगले 3 दिनों में अगर आप सावधान नहीं हुए, इस वीडियो को आज नहीं देखा, तो जीवन भर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ही ग्रह स्थिति का निर्माण होने जा रहा है जहां पर आपको झुकना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आप दल दल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन समय रहते अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे और इनमें बताई गई बातों को समझ लेंगे, तो आपका सोया हुआ नसीब भी जाग जाएगा और बिगड़े से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको कौन से कार्य करना है जिससे आपका जीवन फिर से खुशियों से भर जाए, इस वीडियो में इससे भी बातें विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, अब आपका कर्तव्य होगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट संकट और समस्याएं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में सभी इंसान अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। इसी प्रकार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। और यह एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर से कहीं से नहीं लानी है, आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन इसकी शक्तियों के बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो आपको करना बस इतना है कि इस एक चीज को अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है, एक विशेष विधि के साथ नियम के साथ, तो फिर अपनी के माध्यम से आपको मिलेगा। आपकी हर एक बड़ी छोटी चाहे कितनी ही मुश्किल समस्या हो, उसका समाधान अब ऐसा क्या होगा और इसके पीछे क्या नियम है, क्या शास्त्रीय विधान है, ज्योतिष और लाल किताब में इसके विषय में गहराई से वर्णन मिलता है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, जो बातें बहुत ही खास हैं, जो इसके विधान को उसके कार्य करने के तरीके को अच्छी तरह से समझ आती हैं, हम देश सारी बातें आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको बस इतना करना है कि इस विशेष कार्यक्रम को पूरा देखना है कि आप जब इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो हम आपसे गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपको कुछ ऐसा अनोखा कुछ ऐसा अद्भुत प्राप्त होगा। जो लोग पैसे देकर सीखते हैं, जो प्यारे दोस्तों कई सारी ऐसी विधाएं हैं विद्याएं हैं जो लोगों को मुफ्त में ज्योतिषाचार्य नहीं देती हैं, इसका कारण यह है कि जब सब कुछ मुफ्त में ही दे देगी तो फिर लोग पैसे किस चीज के देंगे। आप खुद ही विचार करिए तो यह उनका बिजनेस है व्यापार है, लेकिन हम माई के सेवक हैं, माई की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। और हम जो भी बातें आपको बताते हैं वह माई की सेवा समझकर ही बताते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो और आपके जीवन में सुख और शांति आए, यही हमारी कीमत है और इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, हमारा भाव बहुत ही पवित्र है, भक्ति में है, इसीलिए जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों की सत्यता इन्हीं सब बातों से प्रमाणित होती है। तो बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, तभी आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत होगी। मित्रों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या ना चल रही हो, और हर इंसान का ज्यादातर समय केवल इसी बात में गुजर रहा है कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान या तो मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो वह बहुत ही अधिक कठिन है और अन्य नई समस्याओं को खड़ा कर रहा है। तो ऐसे में कैसा हो कि आपकी समस्याओं का समाधान दिव्य शक्तियों के पर अब उठ जाओ के माध्यम से हो, क्योंकि कई बार जीवन में समस्याएं जो आती हैं वह ऊर्जा के रूप में ही आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। मान लीजिए किसी ने नजर लगा दी है, इसी प्रकार का टोना टोटका है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके माध्यम से ही आपके घर में आ चुकी है। अब उस नकारात्मक शक्ति के जो दुष्परिणाम है,
आपको समस्याओं के रूप में जीवन में देखने को मिल रहे हैं, तो अब जब आप अपनी बुद्धि के स्तर से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि समस्याओं की जड़ तो नकारात्मक ऊर्जा है। तो इन समस्याओं का निराकरण भी तभी होगा जब इस नकारात्मक ऊर्जा को हटाया जाए और इनके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करे, यानी कि ईश्वर कितने व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे। कहने का मतलब यह है कि आप अनजाने में कम कभी नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियों का तोड़ क्या और इसे कैसे अपने से दूर भगाना है? ईश्वर की परम ऊर्जा को अपने पास लाना है। यह सब आपको जानना बहुत आवश्यक है, वरना होगा बस यही कि आप यही सोचते रहेंगे, क्यों जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं, क्यों इनका कोई समाधान नहीं मिलता है, क्यों आप केवल समस्याओं के मकड़जाल में उलझकर रह गए हैं और जीवन से सुख और शांति गायब हो चुकी है। अब समस्या कैसी भी हो सकती है, बड़ी या छोटी, या फिर इतनी विकराल की जीवन को तहस नहस कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब इन्हीं सारी समस्याओं का आपके लिए समाधान उपलब्ध हो चुका है। इस एक चीज के माध्यम से बस आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। चलिए इस महान ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन महामयी जगत माई को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं तीन बार लिखना, जय मां दुर्गा कृपा करो, माए आपकी निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। हम आपको उसे एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में महापरिवर्तन लाएगी। और भी परिवर्तन किस प्रकार होंगे? जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो आपके जीवन में भी रुकावट का कार्य करती हैं। जैसे कि आप किसी वाहन से पूरी गति के साथ सड़क पर चली जा रही हैं और अचानक कोई बड़ा साबरी करा जाता है तो वह आपकी गाड़ी की रफ्तार को धीमा कर देता है। कभी कभी तो लगभग गाड़ी को रोकना पड़ता है। यह ब्रेकर पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा ब्रेकर है, उसी हिसाब से आपकी गति कम होगी। ठीक इसी प्रकार जीवन की गति है, क्योंकि जीवन भी तो एक यात्रा ही है। तो जीवन की गति में जब समस्याएं आ जाती हैं तो भी हमारी गति को रोकने का कार्य करती है, ब्रेकर का कार्य करती है। कभी कभी समस्या इतनी बड़ी आ जाती है कि जीवन की रफ्तार पूर्ण रूप से रुक जाती है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ऐसे में तो कुछ ज्यादा के ऐसे भी पाए जाते हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमें लगता है कि अब हमें आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें अब आत्महत्या अपनाना होगा। मित्र, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप ऐसी बातें अपने मन में सपने में भी लेकर ना आए, यह महापाप है। जीवन में समस्याएं आती ही हैं और भगवान आज नहीं तो कल आपको समस्याओं का समाधान भी अवश्य देंगे। बस आप मजबूती के साथ समस्याओं के सामने डटे रहें, भगवान की भक्ति में डूबे रहे। जिस भी रूप में आपकी आस्था है, बस उन्हीं के भाव होने के नाम स्मरण में आप भी रहे। जितना ज्यादा आप भाव गहरा रखेंगे, आपकी समस्या का निदान उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो इसी बात से जुड़ा हुआ आज हमने यह कार्यक्रम आपके लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर। हमारे पास सबका एक साथ समाधान कर पाना संभव नहीं, तो उनको हमने यह ज्योतिष कार्यक्रम दिया है। अब इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपकी हर समस्या का निदान होगा, फिर चाहे बच्चों हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में यह बात अवश्य आ रही होगी कि तकिए के नीचे रख के सो जाने से क्या हो जाएगा, आप तो सो जाएंगे, कोई कार्य भी नहीं करेंगे, तो फिर समस्या का समाधान कौन लाकर देगा? तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी बातें आप गहराई से जानेंगे समझेंगे उतना ही उपाय के प्रति आपके मन में भाव कह रहा होगा। सीधी सी बात है प्यारे दोस्तों की, आपको जब पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी, आपको उस पर तभी तो विश्वास होगा। बाजार मेरी कोई दवाई आप लेकर आते हैं और उसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है कि यह किसने बनाई है,
इसका क्या प्रभाव है और इसे कितने लोगों पर आजमाया गया है, तो आपके मन में शक रहेगा। लेकिन जब कोई आपको सारी प्रमाण दे देगा कि यह दवाई कितनी अच्छी है, तो आपके मन में उसके प्रति बहुत गहरा विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और विश्वास से ही आप उस दवाई से ठीक हो जाएंगे। बिना विश्वास के संसार में कुछ अभी नहीं हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, जब आप नींद में होती हैं, तब असल में आप इस लोक से, जिसे हम धरती लोक कहते हैं या मृत्यु लोक कहते हैं, इस लोक से बाहर निकल जाता। कैसे होता है? ध्यान से समय चाहिए। हमारे इस शरीर के साथ साथ कई और प्रकार के शरीर भी हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें केवल यह बहुत ही दिखाई देता है, क्योंकि हम अपनी भौतिक आंखों से और भौतिक बुद्धि से देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसलिए। लेकिन ऐसी जड़ी से जुड़ा हुआ एक और शरीर है, जिसे हम सोच में शरीर कहते हैं, ऊर्जा स्वरूप कहते हैं। वही असल में इस शरीर से मजबूती के साथ जुड़ा रहता है और इस शरीर के संचालन का कार्य करता है। इसे हम अपनी आत्मा कह सकती हैं। यह हमारी नाभि कमल से एक ऊर्जा तंतु के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि यह हमसे जुड़ता है केवल हमारी नाभि से निकलने वाली एक रस्सी से, और इस राशि को हम ऊर्जा तंतु कहते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, जब आप सो जाते हैं, उस समय यह सूक्ष्म शरीर सोता नहीं है, यह इस शरीर से बाहर निकल जाता है और कई प्रकार के लोगों में, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 14 भवन, यह 14 लोग बताए गए हैं, उन लोगों का सफर करता है, यात्रा करता है। इसीलिए आपको अनेकों अनेक प्रकार के सपने आते हैं। कभी आपको आपके सपने में पुर के पूर्वज दिखाई दे जाते हैं, जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, भी दिखाई दे जाते हैं। कभी आपको ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे स्थान दिखाई देते हैं जो कि इस संसार में मौजूद ही नहीं है। ऐसे अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं और कभी कभी बहुत ही पीड़ा है, यात्राएं और बहुत ही डरावनी सपने दिखाई देते हैं। तो जब हमारा सूक्ष्म शरीर अनेकों अनेक लोगों में भ्रमण कर रहा होता है, तो वहां पर जो कुछ भी मैं देखता है, वह हमारे इस शरीर में भी महसूस होने लगता है, क्योंकि वह शरीर हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। और जब आप जाते हैं, तो उस समय वह शरीर फिर से आपके शरीर में समाहित हो जाता है और अपनी कुछ यादें लेकर आता है। इसीलिए जब आप सोकर जागते हैं, तो आपके सपने थोड़े थोड़े से ही आपको याद रहते हैं। बस आपको यह याद रहता है कि अनुभव कैसा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा सपना आपको कभी याद नहीं रहता, क्योंकि वही जो दृश्य है, वह आपने नहीं देखा, आपके सूक्ष्म शरीर में देखा है, यह उसकी याद है। लेकिन अब आपके शरीर में समाहित हो चुका है, तो आप उसकी याद की हल्की सी झलक है, अपने दिमाग में बची रह जाती है, और उन्हीं को आप याद करते हैं। तो आप कहते हैं कि आज मैंने बहुत डरावना सपना देखा। अब आपने सपने में क्या देखा? सारी बातें आपको याद नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी झलकियां याद रह जाती हैं। इसी प्रकार अच्छे सपने के माध्यम से भी होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। अब क्या देखा, पूरा सपना तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी झलकियां याद रहती हैं। अब यहीं पर कुछ ऐसे सपने भी होते हैं प्यारे दोस्तों, जो आपको पूरे के पूरे याद रहते हैं, फिर चाहे वे अच्छे सपने हों, चाहे वे बुरे सपने हों, आप कुछ सेम टू सेम पूरे सपने याद रहते हैं सुबह जब आप सोकर। ये तो आपको एक एक बात उसने की अच्छी तरह से याद होती है। अब यह याद आपके दिमाग में क्यों रहती है? क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर चाहता है कि आप इसे याद रखें, क्योंकि असल में यह तो सत्य है, यह आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं के संगीत हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। अक्सर कई लोगों को हमने यह कहते देखा कि गुरुजी, हमने बहुत दिन पहले सपना देखा था कि हमारे साथ दुर्घटना होने वाली है, लेकिन हमने उसे सपना समझकर भुला दिया था, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, या फिर भविष्य में होने वाली यदा कदा घटनाएं जो है, वह हमेशा अपनी के माध्यम से अधिक करी थी। तो यह भविष्य को देखने की क्षमता भी हमारे सूक्ष्म शरीर के पास है, और उन्हें हमारा सूक्ष्म शरीर चाहता है कि हम याद रखें, इसलिए उनकी यादें हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठा दी जाती हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि हम आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझा पाए हैं,
कि कैसे स्वप्नों के माध्यम से हमें समस्याओं का समाधान मिलता है। प्यारे दोस्तों, इसके विषय में बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी। वैज्ञानिक आज भी इस विषय पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रही है, लेकिन ज्यादा कुछ अभी जान नहीं पाए हैं। लेकिन भविष्य में शायद कुछ इसके बारे में गहरे शोध हो पाए, जिनके कुछ नतीजे निकल पाए। प्यारे दोस्तों, अब आप ध्यान से समझिए, यह तो सारी बातें हमने आपसे इसलिए की ताकि आपको इस कार्य को समझने में आसानी हो कि सपने के माध्यम से कैसे हमसे हमारा सूक्ष्म शरीर अलग होता है और कैसे वह हमें अनेकों अनेक प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराता है। कभी हमें देवी देवताओं से मिल पाता है, तभी हमें पुर के पूर्वजों से मिल जाता है, और कभी हमें तमाम तरह की दुष्ट दानवों से और नाना प्रकार की नकारात्मक शक्तियों उसके दर्शन भी करवा देता है। तो यह सब कुछ इस तरह कार्य करता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, तो अब हम अपनी मूल विषय पर आती है। तो प्यारे दोस्तों, अब यदि आप अपने तकिए के नीचे किसी खास चीज को रख कर सोते हैं, मानकर चलिए आप मोबाइल को रख कर सो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं। सोते समय उन्होंने फोन देखा और अपने पति के बगल से या तकिए के नीचे फोन को रख कर सो गए। प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही गलत कार्य है। इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि मोबाइल हर वक्त कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालता रहता है। कहने का मतलब, उसमें से कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं जो बनावट ही होती हैं, नकली तरंगे होती हैं, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग ने कहते हैं। अब यह तरंगे आपके दिमाग में भी प्रवेश कर रही होती हैं, और जब आप सो जाते हैं तो उस समय यह आपके दिमाग को, आपके विचारों को पूरी तरह से प्रभावित करती है, और आपका जो सच में शरीर आपके शरीर को छोड़कर बाहर जाने वाला है, तमाम लोगों में भ्रमण करने वाला है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को यह बाधित करता है। इसका प्रमाण यह है कि आप जब जब मोबाइल को अपने नजदीक अपने सिर के पास रख कर सोएंगे, अगले दिन आपको एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी थकान और परेशानी का अनुभव होगा, क्योंकि आपने अपने शरीर की प्राकृतिक क्रिया में बाधा उत्पन्न कर दी है। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि जब आप सुनी जाए उस समय मोबाइल आपसे 10 फीट की दूरी से होना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि आप जहां लेटे हैं उसके 10 फीट के दायरे में फोन होना नहीं चाहिए। इस मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब आपका दिमाग, आपका सही, आपका सूत्र शरीर की प्राकृतिक तौर पर ही सारी क्रियाओं को करेगा। अब आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो आप सबसे पहले किस समस्या से छुटकारा चाहते हैं, इसके विषय में सोचेंगे। यही रात को जब आप सोने जा रहे हैं, तो उस समय आप उस समस्या के बारे में सोचेंगे जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, जिसका आप समाधान चाहते हैं। अब ऐसे तो आपके जीवन में कई समस्याएं होंगी। आज दो सोम फोड़ानी नौ समस्याएं होंगी, तो आपको सभी समस्याओं के बारे में एक बार में नहीं सोचना है, किसी एक समस्या के बारे में सोचना है। मानकर चलिए कि आप बेरोजगार हैं और आपको नौकरी चाहिए, या फिर आपके पति या पत्नी के साथ में झगड़ा होता है, बन नहीं रही है, किसी भी प्रकार से तालमेल नहीं बैठ रहा है। तू का समाधान आपको चाहिए कि आपके जीवन में शांति आ जाए, आपका संबंध प्रेमपूर्ण हो जाए, या बेरोजगार हैं तो आपको कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। तो ऐसे में बस आपको अपनी इस समस्या के बारे में सोचना है। क्या प्यारे दोस्तों, जब आप सोने जा रहे हैं उससे लगभग 15 से 20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आपको अपनी इस समस्या के बारे में विचार करना है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर मेरे दांपत्य जीवन में शांति नहीं है। इसमें शांति हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए, या फिर नौकरी लग जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। कहने का मतलब कि जो भी आपकी मूल समस्या है, बस आप उसके बारे में विचार करें, और आप यह भी साथ में सोचें कि आपको यदि इसका समाधान मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको इतना सा सोचना है। अब जब आप ऐसे सोचेंगे, यानी आधे घंटे तक आप इसी प्रकार के विचारों में डूबे रहेंगे, तो यह विचारों की जो धारा है, यह आपके अंदर वापस जाने लगेगी और आपके अंतर्मन को प्रभावित करने लगेगी। यानी कि आपके सूक्ष्म शरीर को इस तरह से आप इस दे रही है कि आपको इस समस्या का समाधान चाहिए, चाहे किसी भी लोक,
कि किसी भी व्यक्ति के पास इसका समाधान हो। आप इसका समाधान चाहिए ही चाहिए, तो असल में यही छुपा हुआ आदेश है जो आप अपनी ही स्वयं के सूक्ष्म शरीर को दे रहे हैं, आत्मिक सभी को दे रहे हैं। क्योंकि समाधान तो वही लेकर आएगा तो जब आप इस प्रक्रिया को ठंडे दिमाग से करेंगे। अब इस बीच आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, अगर मजबूरी है तो बहुत कम बात करें, थोड़ी शब्दों में ही अपनी बात करें, और फोन को तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, यानी मोबाइल फोन तो बिल्कुल ही नहीं देखना है। यानी सोने से आधे घंटे पहले आप अपना मोबाइल अपने आप से 10 फीट की दूरी पर रख देना है। अब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, अब जब आप सोने जाएं तो आप तकिए के नीचे जो रखेंगे उससे पहले आपको बताते हैं, आप बिस्तर पर सीधे लेट हैं, यानी कि आपका मुख ऊपर की ओर हो, बिल्कुल चित्त होकर आप लेट हैं। अपनी छाती पर अपने दोनों हाथ रखें और बिल्कुल सामान्य अवस्था में, बिल्कुल आराम के साथ आप लिख जाएगा। कोई भी अन्य विचार अपने मन में लेकर ना आए, किसी से कोई चर्चा ना करें, किसी भी बात के विषय में ना सोचे। बस इतना सोच है जो आप लगातार आधे घंटे से सोचते चले आ रहे हैं। लेकिन अब आप अपनी छाती पर हाथ रखकर अपना स्वयं का नाम लिखकर यह बोलेंगे कि आपको समस्या का समाधान चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मानकर चलिए आपका नाम विवेक है, तो आप कहेंगे कि विवेक, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। इस प्रकार आपको बोलना है। आपको ऐसा लगभग 5 से 7 बार बोलना है, 5 बार से कम नहीं बोला है प्यारे दोस्तों, 5 से 7 बार, 7 बार से ज्यादा नहीं बोलना है। इसका रक्ता आपको नहीं लगाना है, ठंडे दिमाग से बिल्कुल धीमे स्वर में, लेकिन इतना तेज आवाज में बोले कि आपको स्वयं को वह आवाज सुनाई थी। धीमे स्वर में आपको यह बोलना है और पूरे धैर्य के साथ आराम से बोलना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अब आप जब यही क्रिया करेंगे तो यह आपके अंतर्मन को एक बहुत ही मजबूत आती होगा। आप स्वयं को आदेश दे रहे हैं, अपना नाम लेकर आदेश दे रही है। तो असल में हमने आपसे पहले ही कहा कि आपका एक भौतिक शरीर है और एक ऊर्जा शरीर है, तो आप अपनी ऊर्जा शरीर को आदेश दे रहे हैं। अपने भौतिक शरीर के माध्यम से प्यारे दोस्तों, यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली है। इसे आप पूरे दिमाग के साथ, पूरे धैर्य के साथ समझे, और 100% यह कार्य करती है। हमने जिस जिस को इस प्रक्रिया के बारे में बताया है उसका जवाब हमेशा सकारात्मक ही आया है, पॉजिटिव आंसर ही मिला है कि हाँ गुरुजी, इस प्रिया ने कार्य किया है। तो आपने 7 बार अपनी छाती पर दोनों हाथ रखकर और बोला कि विवेक, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। अब जब आपने 7 बार स्वयं को आदेश दे दिया, इसके बाद आप आंखें बंद कर सीधे सो जाएंगे, या प्यारे दोस्तों अपनी समस्या के बारे में विचार करते करते, क्योंकि आप आधे घंटे से उसी के बारे में सोचते चली आ रही हैं, तो उसी समस्या के बारे में विचार करते करते सो जाएंगे। अब इस प्रक्रिया में आपको किसी कोई बात नहीं करनी है, कोई अन्य विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। अब इतना आपको करना है, अब आपको अपने तकिए के नीचे क्या रखना है इसके बारे में समझे। तो मित्रों, ध्यान से सोचिए, आपको अपनी तकिए के नीचे एक ताला बंद करके और उसकी चाबी उसी के बगल से रखनी है और फिर सो जाना है। चाबी को ताले में लगी नहीं छोड़ना है, साले को खोला नहीं छोड़ना है, ताले को आपको बंद करना है और उसकी चाबी उसके बगल से रखनी है और उसके ऊपर तकिया रखना है, और आपको यह प्रक्रिया करनी है और उसके बाद आपको सो जाना है। अब काले और चाबी से इसका क्या संबंध है, आप इसे ही समझिए। तो मित्र, आपको हम बताएं कि हमारा अध्यात्म, हमारे वैदिक संस्कृति यह कहती है कि इंसान की चेतना उसके सिर में वास करती है, यानी सिर के पीछे जहां रीढ़ की हड्डी हमारे सिर से जुड़ती है उसे हम मॉड्यूला कहते हैं, वहीं पर हमारी चित्रा का वास होता है, और राहु का सीधा संबंध ताला और चाबी से होता है। अब जिन घरों में ताले पुरानी जंग खाए हुए पड़े हैं, या ऐसे ताले पड़े हैं जिनकी चाबी खो चुकी है, ऐसी चाबियां पड़ी हैं जिनके ताले खो चुके हैं या खराब हो चुके हैं, पूर्ण घर में हमेशा राहु खराब रहता ही रहता है। और राहु क्या है, सिर है, उसके पास कोई शरीर नहीं है, केवल सिर है, यानी विचार है, और विचारों की शक्ति है, और उसी से वह किसी के जीवन को प्रभावित करता है। तो ऐसे में आपको इस ताला और चाबी को, यानी कि राहु के शुद्ध स्वरूप को
अपने सिर के नीचे रखकर सोना है। तकिए के नीचे अब राहु असल में वैसे तो बहुत नकारात्मक है, लेकिन राहुल को देव कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि राहुल को देवताओं की श्रेणी में भी रखा जाता है और दानवों की श्रेणी में भी रखा जाता है। कहावत है कि जिसको राहुल तारे उसे फिर कोई ना मारे, और जिससे राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे। रात में हुआ तो आपको राजा बना देगा, नकारात्मक हुआ तो भिखारी बना देगा। तो राहु के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक भी है, आपको बस प्रयोग करना आना चाहिए। रिया प्रयोग करना जानते हैं, राहु के गुरु का तो आप राजा बन जाएंगे। याद रखना है तो यह राहु का एक सकारात्मक प्रयोग है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आप ताला और चाबी को अपने सिर के नीचे रखकर, यानी तकिए के नीचे रखकर सोएंगे। यह आपके आत्मिक शरीर को बल देगा, आपकी सोच में शरीर को इतनी ऊर्जा प्रदान करेगा कि वह आपकी समस्या का समाधान कहीं से भी लाए ढूंढ कर लाएगा। यकीन मानिए, यह प्रयोग बिल्कुल मुफ्त का है, क्योंकि ताली और चाबी तो सबके घरों में होते ही हैं। यह बिल्कुल मुफ्त का प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग का जो फल है वह अनमोल है। जी हां प्यारे दोस्तों, एक बार इस प्रयोग को आप करके देखिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको पहले दिन समाधान ना मिले, दूसरे दिन भी समाधान ना मिले, तीसरे दिन भी समाधान ना मिले, लेकिन 6 से 7 दिनों के अंदर आपको निश्चित तौर पर समाधान मिल ही जाएगा। किसी किसी जातक को तो पहले ही दिन समाधान मिल ही जाएगा, किसी किसी जातक को तो पहले ही दिन समाधान मिल जाता है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचार कितने केंद्रित हैं, यानी कि आपका अपने ऊपर कितना नियम। यदि आप चंचल स्वभाव के हैं तो आपको 6-7 दिन लगेंगे, यदि आप शांत स्वभाव के हैं तो आपको दूसरे या पहले दिन ही समाधान अपनी समस्या का मिल जाएगा। आप जब सोकर जागेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, आपके विचार बदल जाएंगे, आपको समस्या को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। यह तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। अब जब आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए तो फिर इस प्रयोग को नहीं दोहराना है। ऐसा नहीं करना कि एक समस्या समाप्त हुई, अब आपने दूसरी समस्या के लिए यह प्रयोग फिर से शुरू कर दिया। नहीं प्यारे दोस्तों, यह नहीं करना है। इससे आप धीमे धीमे अपने आत्मिक शरीर को कमजोर कर देंगे, और यह बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जिसका आत्मिक शरीर कमजोर हो गया है उसकी आयु कम हो जाती है, उसकी भक्ति कमजोर पड़ जाती है, और वह नकारात्मकता में डूब जाता है। यदि आज नहीं तो कल आप नकारात्मक शक्तियों से गिर जाएंगे और जीवन भर के लिए परेशान होते रहेंगे। तो इसको प्रयोग करने के तरीके साधारण जरूर हैं, लेकिन है बहुत शक्तिशाली यह आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, आपकी स्वयं की आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और ज्यादा प्रयोग करेंगे तो थकान तो होती ही है, ऊर्जा की कमी तो होती ही है। तो आप खुद ही समस्या, तो आपको एक समस्या का समाधान जब मिल जाए तो उसके बाद आप 1-1.5 महीने विश्राम करें, उसके बाद आप किसी नई समस्या के साथ इस प्रयोग को करें, उसका समाधान मिल जाए तो फिर 1.5 महीने का गैप लें। क्योंकि आप जब आप लेंगे, अंतर करेंगे, तो आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ने का अवसर प्रदान होगा, प्राप्त होगा। अब आत्मिक ऊर्जा बढ़ती कैसे है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। आदमी और जा बढ़ती है, दान धर्म और जिन कार्यों को आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर शामिल कर लेना है, और रोज अपने आराध्य की पूरी विधि विधान से पूजा करनी है, उनका नाम जप करना है, समय मिले तो ध्यान भी अवश्य करना है, और पशु पक्षियों को भोजन आदि अवश्य देना है। यह बहुत बड़ा दान है, तो इन कार्यों को आप करेंगे तो इससे आपकी आत्मिक ऊर्जा फर्स्ट होगी, और आपकी समस्या का हल निश्चित तौर पर ढूंढ कर लाए की उम्मीद है। प्यारे दोस्तों, की जो बातें हमने आपको बताई है अब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इस प्रयोग पर बिल्कुल शक नहीं करना। प्यारे दोस्तों, हमने सैकड़ों हजारों लोगों पर इस प्रयोग को किया है, आज तक इसका नकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिला है। कहीं ना कहीं से किसी ने किसी प्रकार से जातक की मदद होती है, उसे समस्या हल करने का अवसर मिलता है,
तो बस इस प्रयोग को आप करिए। इसके नतीजे कैसे आए हमें कमेंट करके बताना। यदि नतीजे सकारात्मक आते हैं तो मां दुर्गा धाम से जुड़ जाना और जीवन भर का उद्धार हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। मां के आंचल में एक बार आ गया उसका तो जीवन का उद्धार ही हो गया। फिर उसे कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसका क्या बाल बांका करेगा। तो नींद मित्रों की आपने सारी बातें समझ ली है कि नया प्रयोग करेंगे और जीवन में उठाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और यह ग्रह सितारे आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग आपको आपकी दयनीय स्थिति से निकालने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन आप इस स्थिति में किसी और की गलती की वजह से फंसे हैं। अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए। इस समय आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। आप पिछले कई दिनों से इसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई आपको वहमी ना समझ ले। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है। आप यह तो हमेशा से जानते हैं कि आपको करना क्या है। आज यह पक्का हो जाएगा कि आप यह अपने दम पर आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पहला निर्णयात्मक कदम उठाएंगे आपका सारा मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होंगी और आज का दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्य पद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है। मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा। आपकी लोगों को हंसाने की क्षमता और खुशमिजाज स्वभाव बद्धी पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है। आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधी मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कार्यक्रम निश्चित करने दें। आपके पास अपने सभी मनपसंद व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे लेकिन अब अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहें, नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को भी न्योता दे सकते हैं। बस